अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं नीर डोसे की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये एक साउथ इंडियन रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं नीर डोसा कैसे बनाया जाता है। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ये 2 कप चावल है, जिसको मैंने रात में अच्छी तरह से धोकर भिगो लिया था। आप इसे 4 से 5 घंटे भी भिगो कर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट भिगोने से आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। चावल में ये जो पानी है इसे हम निकाल लेंगे और इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। चावल को हमें बहुत ही स्मूथ पीसना है, इसमें बिल्कुल भी चावल के दाने बाकी नहीं रहने चाहिए। और चावल पीसते वक्त हम इसमें फ्रेश पानी का इस्तेमाल करते हुए इसको ग्राइंड करेंगे। तो देखिए, जो चावल है इसको मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, लेकिन अभी ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इस बैटर को हमें पतला ही रखना है, गाढ़ा नहीं रखना है। अगर आपका बैटर गाढ़ा होगा तो आपके जो डोसे हैं वो मोटे बनेंगे, तो इसीलिए हमें इस बैटर को पतला ही रखना है, बिल्कुल छाछ जैसा। तो देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह का बैटर चाहिए हमें। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये बैटर पूरी तरह से रेडी है, तो चलिए हम इसके डोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो तवा है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो हम इस पर सबसे पहले ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम डोसे के बैटर को इस तरह से डालेंगे तवे पर। पहले हम इस बैटर को तवे की एक साइड पर डालेंगे और फिर दूसरी साइड पर भी इस तरह से हम इसे डाल देंगे, और जो गैप्स इसमें बच गए हैं उसमें भी हम थोड़ा थोड़ा करके ये बैटर डाल देंगे। और फिर हम इस डोसे को ढककर 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। डोसे को हमें ढककर पकाना ज़रूरी है, अगर आप इसे ढककर नहीं पकाएंगे तो इसमें क्रैक्स आ जाएंगे और आपका जो डोसा है वो टूट सकता है। तो 1 मिनट हो चुका है, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, जो डोसा है उसने अपनी साइड छोड़ दी है, इसका मतलब ये है कि ये जो डोसा है वो पूरी तरह से रेडी है। तो हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसे तवे से उतार लेंगे। तो देखिए, बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप इसे नारियल की चटनी, ग्रीन चटनी, सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।